के सामने कुर्सियां रखी गई है, आप तमाम उसमें तशरीफ रखें। मैं मंडी से काउंसलर इसके बाद में यहाँ पे असद साहब से कहना चाहता हूँ कि वापस भी साथ ही चालू शिकार है। अच्छा लग रहा है, गुंडा साहब है बारे में। हमारे मजलिस काउंसलर्स जनाब रजियुद्दीन साहब और हमारे और मेरे अजीज बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामाई, आप सब जानते हैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हमेशा से हर लहाज से अवाम के लिए हर लहाज पे काम कर रही है। हमारे मरकजी कायदीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे हबीब मिल्लत मजलिसी फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब और हमारे अराकीन असम्बली हमेशा से, चाहे वो ऐवान पार्लियामेंट हो चाहे ऐवान असम्बली हो, हर मसले पे हर महाज पर आज जिद्दोजहद कर रहे हैं, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हर तबके की फलाह बहबूदगी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। मेरे अजीज बच्चियों, आज सादारे मिल्लत जो ट्रस्ट की जानिब से भी हमारे नौजवान नस्ल को उनकी तालीमी तरक्की के लिए आज ये जो सादारे मिल्लत जो गाइड्स दिए जा रहे हैं, ये ऑनलाइन जो गाइड्स दिए जा रहे हैं, ये आपकी तालीमी तरक्की के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं कि ताकि आपका मुस्तकबिल खुशगवार हो। और हमेशा से आज जो फिरका पास ताकत है हमारे लिए, हमको हर महाज पर रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बातिल ताकतें मिटने के लिए हैं और इंशाल्लाह हक वाज़ेह होकर रहेगा। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर फिरका परस्त ताकतें एकजुट होकर आज हमारे कायदीन के ऊपर हमले कर रहे हैं और हमारी शरीयत पे मुदाखलत करने की कोशिश की जा रही है। हमारे दस्तूर के रोह से जो हमको दस्तूरी हक है कि हमारे बच्चियों को हिजाब पहनने का, इसको रोकने की जो कोशिश की जा रही है, मैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि तो ये हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना है जमाने से हम नहीं। और जितना तुम लोग दबाने की कोशिश करोगे इंशाल्लाह हम उतना मुत्तहिद होंगे। हमारे बच्चे हमारे बच्चियाँ हर महाज पर आगे बढ़ेंगी। आज इस मौके पर मेरे अजीज बच्चियों, आपसे हम यही कहना चाहते हैं कि आज हमारे ये जो कायदीन हैं इतने 220 किलोमीटर का सफर करके आपके दरमियान मौजूद हैं ताकि आप तालीमी तरक्की के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए, आने वाली नस्ल तरक्की करे, उनका मुस्तकबिल खुशगवार रहे, इसी के लिए उनका मुस्तकबिल तामनाक रहे, इसलिए यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। आज यही चाहते हैं, इतना गुनाहों मसूफियत के बावजूद भी आपकी तरक्की के लिए, आपके तालीम के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। आप इनके लिए भी दुआ फरमाएं, हमारे लिए दुआ फरमाएं कि आज हमारे जो कायदीन हैं, हमारे मरकज़ कायदीन, हमारे सदर मोहतरम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की उम्र व सेहत में बरकत के लिए, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की सेहत के लिए आप लोग दुआएं करें। यही कायदीन है आज पूरे मुल्क के अंदर, आज मुसलमानों के लिए, दलित तबके के लिए, पिछड़े तबकात के लिए आवाज उठा रहे हैं। मुस्तकबिल तामनाक हो जाए, आप यहाँ पर अच्छी खुशगवार जिंदगी गुजार सके। आप लोग हमारी ख्वाहिश यही है कि आपके अंदर हौसलों को मजबूत करते हुए आप IAS IPS के अंदर आप लोग आगे बढ़े, आप लोग वो मुकाम पाए और अपने मुस्तकबिल को तामनाक बनाए। और आपसे यही मेरी ख्वाहिश है दिल की गहराइयों से कि आप शरीयत की पाबंदी करते हुए अपने अपने शरीयत के अंदर जो अहकाम
अमल में लाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोग उससे इस्तेमाल कीजिए। आप सी प्रोग्रामिंग, सी प्ले प्लस, जावा और जो भी एडवांस कोर्सेज रहेंगे, आप लोग उसके अंदर आप लोग आगे बढ़ते हुए अपने तालीमी, अपने मुस्तकबिल को, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और इस मुल्क का नाम रोशन करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने फैलाव का इजहार करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہماری جماعت آپ کی جماعت ہم سب کی جماعت کی طرف مجلس اتحاد المسلمین کے جانب سے ایک معیاری کتاب دسویں جماعت کے طلباء و طالبات کو تقسیم کرنے کے لیے یہاں پر ایم ایل اے صاحب آئے ہوئے ہیں اور کئی چٹیا لمیٹ کی طرف سے یہ پروگرام بھی رکھا گیا ہے آپ سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور آپ لوگوں سے خواہش کرتا ہوں ये जो मियारी किताब आपको दे दी जा रही है इसका गौर से मुताला कीजिए और इम्तिहान में मैं समझता हूँ मई की 11 तारीख से आपके होने वाले हैं एग्ज़ाम, अच्छी तैयारी कीजिए, अच्छे से मुताला करकर अच्छे से अच्छे निशानात लाकर अपना, अपने वालदेन का, अपने असातिज़ा का, अपने शहर का नाम रोशन करिए। आप लोगों से ख्वाहिश की जाती है और प्रोग्राम में देख कर बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तालिबा इस प्रोग्राम स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं और उर्दू मीडियम जरिए से तालीम हासिल कर रहे हैं और हमारे कई लोगों की शिकायत यह है कि उर्दू जरिए तालीम खत्म हो रही है। बिल्कुल ये जबान खत्म होने वाली नहीं है क्योंकि जिस जबान में अल्लाह की शान में हम और पढ़ी और लिखी जाती है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में नात पढ़ी और लिखी जाती है, ये जबान क़यामत तक बाकी रहेगी, खत्म होने वाली जबान नहीं है। और ये खुश आम बात भी यह है कि लड़कियाँ ज़्यादा हैं। उर्दू जरिए तालीम हासिल करने के बाद आप अपने घर को अखलाक और खुलूस मोहब्बत के जेवर से संवार सकेंगे और अपने घर का माहौल अच्छा कर सकेंगे क्योंकि जो आज एक लड़की है मुस्तकबिल में कामयाब औरत आप उर्दू मीडियम जरिए से तालीम हासिल कर सकेंगे। अगर आप यूपी के हालात अपने आंखों से देखेंगे तो हर एक रोएंगे, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ पर खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के वास्ते घर नहीं है, कपड़े बराबर नहीं है, इतनी गुर्बत है। मैं भी यूपी का कई मरतबा दौरा करा, देखकर परेशान हो गया। आज से 50 साल पहले गांव के बाहर छोटे छोटे जैसे घर आ रहते थे ऐसे घर आए वहाँ पर, उनकी गुर्बत और उनकी हक दिलाने के लिए वहाँ पर गए, ये बर्दाश्त नहीं वाला। गोलियां मारने, गोलियां लगेंगे उनके साथ, कितने लोगों की दुआ है गोली अगर चलती, अगर लगती तो फड़क के भी उनको लगती थी, मानो असर कई लोगों की दुआ उनके साथ है। और हमारे हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब को आप लोग देखे होंगे असेंबली में, जब भी वो बात करते हैं तो सीएम को कहना पड़ता है अकबर भाई मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। और आप लोगों को ये भी बात बता दो कि सारा मिल्लत जब पूछने वाली थी हमारे मरहूम कायद सदर जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब के जमाने में, हम करीमनगर से नुमाइंदे करें पहले हैदराबाद में देते थे, सब ये अजला के लोगों में मुस्तफ़ होना चाहिए, हमारी गुजारिश है। जब भी वो दरख्वास्त लेकर असद साहब को बुला के आइंदा साल से अजला में भी इंतजाम कीजिए, हुक्म दिए और पूरे तेलंगाना में ये किताब मिल रही है हर एक को। और आप लोगों को भी ये किताब लेकर शुक्रिया अदा करना चाहिए, ये नहीं कि जबानी शुक्रिया बोलने से शुक्रिया अदा नहीं होगा, ये किताब का मुतालबा करकर आप लोग ज्यादा से ज्यादा निशाना पास होकर लागत पास होंगे तो हकीकी मायने में तभी आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकेंगे। और हमारी जमात की तरफ से तालीम के मैदान में हर चीज में आगे है। आप देखिए हैदराबाद में मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियर कॉलेज है, एस सी ए कॉलेज है और बहुत से इदारे चला रहे हैं, कोई सियासी जमात कोई इदारे नहीं चलाते। लेकिन और तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब के पास 11 स्कूल फ्री चल रहे, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में एक जूनियर कॉलेज फ्री चालू और उसमें किसी का रिकमेंडेशन भी नहीं चलता, लकीर उठा के गरीब से गरीब बच्चे उसमें तालीम हासिल कर रहे हैं और खवातीन कई फंड उसमें सीख रहे। और अल्लाह का मैं खास जो मकसद के लिए आया हूँ वो मकसद ये है कि 10th का जो एग्ज़ाम आने वाला है उर्दू मीडियम बच्चे और बच्चियों के लिए, जिसमें मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन करीब 12 साल से एक ऑल इन वन गाइड बनाती है जिसका नाम सालार एंडलर मॉडल पेपर ऑल इन वन होता है। इसका मेन मकसद ये है कि हमारे बच्चे और बच्चियां जब 10th का एग्ज़ाम देने को आते हैं तो उनको ये पता नहीं चलता कि बोर्ड एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमको कैसे उस क्वेश्चंस को हल करना है।
इसके लिए हमने ये सोचा, खासतौर से मजिस्ट्रेट हाथ मुस्लिम लीग के मौजूदा सदर नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह सोचा कि उर्दू मीडियम के बच्चे और बच्चियों के लिए हम टेंथ को अगर आसानी बता दें, यानी क्वेश्चंस जो है ये मॉडल पेपर वो एक ऐसा है कि जिसके अंदर पिछले कई वर्षों के क्वेश्चंस इसके अंदर क्वेश्चन पेपर रहते हैं, अगर आप ये मॉडल पेपर लेंगे इसको अगर आप अच्छे से हल कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन लिखकर आप अपना आंसर अपने हिसाब से लिखेंगे, अगर कहीं गलती होगी तो आपके टीचर उसको दुरुस्त कर देंगे, या अगर गलती होगी तो आपके घर में जो भी पढ़ लिखते हैं उनको अगर बता देंगे तो इंशाल्लाह ताला वो उसमें आपको आने वाले टाइम के ऊपर बआसानी आप कामयाब हो सकते हैं। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि आज बच्चे और बच्चियाँ तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि उर्दू मीडियम से पढ़ेंगे तो इनका मुस्तकबिल नहीं रहेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी अगर फर्स्ट ग्रेड मीडियम से पढ़े, तालीम तालीम होती है तालीम हासिल करने से। तो हम आपसे ये ख्वाहिश करना चाहते हैं कि आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर हमने तेलंगाना गवर्नमेंट को न सिर्फ नुमाइंदगी करके तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाए हैं, बल्कि हमने तेलंगाना गवर्नमेंट में नुमाइंदगी करके उर्दू को अपना मुकाम दिलाने के लिए बहतुल इम्कान कोशिश करे हैं। हम चाहते हैं कि उर्दू मीडियम के बच्चे और बच्चियों को भी अगर सरकारी नौकरी हो तो वो उर्दू में अपना एग्ज़ाम लिख सकते हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम कुछ भी क्यों ना हो, आप अपना एग्ज़ाम उर्दू में लिख सकते हैं और नौकरी हासिल कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं पिछले असेंबली सेशन के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ठहर कर कहा कि हर जगह उर्दू ट्रांसलेटर होना ज़रूरी है, कई लोग हमारे उर्दू में दरख्वास्त और कंप्लेंट दे सकते हैं। तो आज हर कलेक्टर ऑफिस में उर्दू ट्रांसलेटर उर्दू की एक वैकेंसी है, चाहे वो कलेक्टर ऑफिस हो, एसपी ऑफिस हो, या कोई मिनिस्टर का चैम्बर हो, या अगर सीएम का हो, हर एक जगह उर्दू के लिए पोस्ट जो आते जा रहे हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ इस गाइड का आप भरपूर फायदा उठाते हुए अपनी तालीम को आगे बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करिए, क्योंकि मैं हमेशा अक्सर कहा करता हूँ, मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि मैं जगत्याल को आया हूँ तो यहाँ पर जितने भी मेरी बच्चियाँ दिख रहे हैं तकरीबन लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ तालीम उर्दू से हासिल कर रहे हैं। बेशक हासिल करना चाहिए, इसीलिए पढ़ना चाहिए ताकि आपको आने वाले टाइम पर न सिर्फ अपने घर को देखना है, अपना मुस्तकबिल भी बनाना है। क्योंकि आज से हमारे बचपने के अंदर अक्सर ये कहा करते थे कि बच्ची को ज़्यादा तालीम नहीं देना चाहिए, अगर वो सेवन क्लास तक अगर पढ़ लेगी धोबी का हिसाब लिख लेगी सौदा लिख लेगी तो यही बस है, उसको लेकर जाके अगर हंडी चुल्लर में सिखा देंगे पकवान सिखा देंगे तो वह शादी के बाद जाके अपने ससुराल में नाम रोशन करेंगे। मगर वो दौर बदल गया है, आज उसकी ज़रूरत नहीं है, आज तालीम की ज़रूरत है। अगर हमारी बच्ची तालीम हयात ले करेगी तो अपने ससुराल में जब जाएगी तो नाम रोशन करेगी अपनी इंसानियत के नाम पे। अगर कोई जाहिल भी वहाँ पे अगर ऐसे वैसी बात करता है तो वो कहेगी कि ऐसा मत कहिए, क्योंकि तालीम एक बहुत बड़ा आपका जेवर होता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ बेटे, आप इसका भरपूर फायदा उठाते हुए आइंदा आप कम से कम ग्रेजुएट का मिनिमम होना चाहिए। उसके अलावा जो बच्चे और बच्चियाँ अगर फर्ज के लिए सरकारी नौकरी की ख्वाहिश रखते हैं तो उन सरकारी नौकरी के अंदर उर्दू में एग्ज़ाम देके सरकारी नौकर बन सकते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त लिए बगैर जगतियाल के अंदर जुमला 135 बच्चे एसएससी उर्दू से बच्चे और बच्चियाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे ऑल इन वन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और उसके बाद आप लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आप एग्ज़ाम की तैयारी इंशाल्लाह ताला कल से शुरू कर लीजिए। क्योंकि आज आप ये बुक्स लेने के बाद आराम से बैठिए, अपने माँ बाप से बात करिए, उसके बाद कल से आपको एक ऐसा वक्त निकालिए दिन में 2 घंटे या 3 घंटे क्वेश्चन लिखिए, उसका आंसर हल करिए, हल करने के बाद आप उसको करेक्शन कराइए, कहीं गलती होती है तो उसको दुरुस्त कराइए। जिस टाइम पे आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो सब्जेक्ट आपका रहता है, जो आपकी बुक रहती है, उसी में से क्वेश्चन आता है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी हल कर लेंगे। एग्ज़ाम का टाइम अगर 3 घंटे है तो इंशाल्लाह ताला आप 2 घंटे में पूरे आंसर को लिखते हुए उसके बाद वापस फिर से रिवीजन देख लेंगे कहीं गलती तो नहीं हुई। तो यही चंद कलमात आपके सामने पेश करना था। मैं यही कहूँगा कि आप जो
से आपको तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। हमारा इस्लामी तरीक़ा भी यही है, अगर यहाँ पर दुनिया में सबसे पहले अगर सरकार पे कोई वही आई है तो वो तालीम के बारे में आई है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये जो आई है इसका मतलब ये है कि पहले तालीम हासिल करो। तो इसका मतलब है कि हमको ये चाहिए कि हमको तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, आहिस्ता जिस जिसका नाम पुकारेंगे या अगर कोई बच्चियों को बुलाएंगे या बच्चों को बुलाएंगे तो आइए और अपने अपने आलिम मान लेकर जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। असद भाई, अब्बास भाई दे दे असद भाई, ठहरे ठहरो। असद भाई, अब्बास भाई आप एक दो अब्बास भाई से देने लगा है। अरे ठहर रहे नहीं यार, बस देना आया ना, मैं आया ना मेहमान।